क्योंकि 10-12 फुट जिहड़ा उच्चा रोड बन रहा है, कोई ये पुली नहीं पाई गई, जिहड़ा सारा पानी आउंदा झग्गर दा बाहर जो निकलता है। 10-10 फुट इस बार भी 10-10 फुट जिहड़ा घरां दे विच पानी रहा ते जिहड़ा अपने रोड बन रहा उहदे विच घट तो घट जे ज़्यादा नहीं तो 10-10 किले दीआं पुलियां पै जाण जिहड़ा कि पानी लंघन नूं आसानी हो सके और साडे जिहड़े घर ने वह बच सकन। धरना जी साढ़े अपना जिहड़ा भारतीय किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों तो बाकी सारे किसान भी इलाके के सारे पिंड जिहड़े मारेठ ने इन्हां नाल सहमत ने। तो अज MLA साहब आए सी, उन्होंने अगे भी असी मंग रखी है, पहला भी असी राजपाल साहब नूं भी साडी यूनियन ने दिता सी मंग पत्र। ये जिहड़ा नैशनल हाईवे बन रहा दिल्ली तो जम्मू कटड़ा, इहदा इह है जी इहदे थल्ले पानी की बिल्कुल निकासी नहीं रखी गई। ऐतकां ते अजे कंप्लीट नहीं सी होया, कुदरती बारिशां दे पानी आउण नाल भी ये रुड़ गया, जिहड़ा कि लोकां दा जानी नुकसान नहीं होया। जे पूरा कंप्लीट हुंदा ते पिछे मतलब कई पिंडां दा बहुत वड्डा नुकसान, चलो फसलां ते कुदरती आफत दे जी होरां पिंडां च भी सारे पंजाब च मरियां ने। मेन समस्या ये भी जे इस तरह ही ये सड़क बनती है तो पिछले पिंडां नूं मतलब वड्डा जानी नुकसान हो सकता है। तो मंग साडी मेन यही है जी, ये जिहड़ा जिन्ना भी ये पानी का एरिया जिथों पानी की निकासी है भी ये पुल जी छड़ के पिलर से बनाई जाए भी पानी का अगे निकास हो सके। MLA साहब ने सानू विश्वास दवाया जी, वो कहिंदे भी मंत्री साहब नाल भी गल की है, DC साहब को भी तुहाडी गल पहुँचाई है भी वह गांह नैशनल अथॉरिटी नूं पहुँचाणगे। तो पंजाब सरकार MLA साहब कहिंदे भी असीं तुहाडे बिल्कुल नाल हाँ, जो भी मदद करने लई असीं जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जिन्ना चिर साडा हल नहीं हुंदी पानी निकासी की, बिल्कुल असीं इत्थे बैठे हाँ, भावें सानू 10 साल भी बहना पै 15 साल बहना पै, कोई काम नहीं चलन देंगे जी। हलचल है जी बिल्कुल सच है, ये कोई दो राय नहीं हैगी, कोई ये नहीं है कि शायद मैं इतने आ गया कोई मैनू डर दे मारा होगा, क्योंकि इन्होंने लोगों के नाल मैं पहला भी खड़िया सी, मैं अज भी खड़िया। आ जिहड़ा रोड है मैं पहला भी दुहाई पाई सी, इन्हां किसानां ने भी पाई सी कि जिहड़े असी हड़ पीड़ित लोक हमेशा पानी दी घेरे दे विच रहिंदे आ तां सानूं इह बहुत वड्डी मार है, क्योंकि 10-12 फुट जिहड़ा उच्चा रोड बन रहा है, कोई ये पुली नहीं पाई गई, जिहड़ा सारा पानी आउंदा घग्गर दा बाहर जदों निकलदा है तां फिर जदों इह डाफ लाउंदा है तां तकरीबन हर जिहड़ा पिंड है हर जिहड़ा डेरा है वह डुब जांदा है। 10-10 फुट इस बार भी 10-10 फुट जिहड़ा घरां दे विच पानी रहा। सो किसानां दी मंग यही है कि इस जिहड़ा अपने रोड बन रहा इहदे विच घट तो घट जे ज़्यादा नहीं तो 10-10 किले दीआं पुलियां पै जाण जिहड़ा कि पानी लंघन नूं आसानी हो सके और साडे जिहड़े घर ने वह बच सकण। किसानां दा गुस्सा वी हैगा तुहाडे ते, कहिंदे साडे आ के सारने लई नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो खुश तां बाबा नानक नहीं कर सकिया जिन्हें दुनिया रचाई है, तो मैं कि बेचारा जी मैं नहीं खुश कर सकता लोगों को, पर मैं अपना कर्म है जोड़ा वो कर रहा, मैं अपनी ड्यूटी है जी निभाई है और इस तरह निभाई है, क्योंकि आप जिन्हें इतने खड़े हाँ मैं हड़ां दे विच ही जमया पड़िया, किसी MLA मंत्रियों की मैं शक्ल तक नहीं सी देखी हुई पहला दियाँ सरकार दियाँ, कि कोई हड़ दे विच आके किश्तियां दे विच बैठ के जां पानी दे विच उन्ना के कोई लोकां तक लोकां दी सार लई जांदी होवे, कोई MLA मिलदा ही नहीं सीगा, मैं तां लोकां दे विच रहा। हाँ जे किसी ने नहीं मैनूं देखिया उहदा गुस्सा हो सकदा है, मैं उहदी भी माफ़ी मंग ली है, मैं उहनूं कहा भी भाई तेरे घर में दुबारा राशन पहुँचा दूंगा, होर मैं की कर सकदा, बाकी मैं लोकां दे नाल हां, मैं लोकां दे नाल हां, इह साथ देण मेरा तां इस रोड नूं जिहड़ा हैगा बिल्कुल मैं पुलियां ते खड़ा करां। जिवें रेता भी सीगा जी खेतां दे विच, खेत बर्बाद हो गए, किसान आपदा करन सरकार वल्लों प्रबंध नहीं, सरकार वालों देखो प्रबंध सारा ही हैगा, मैं पहले भी कहा कि पूरा पंजाब है जिहड़ा वो पानी की लपेट दे विच आ के काफ़ी जिहड़े हलके ने 18 जिले जिहड़े ने वो प्रभावित होए ने पानी दे नाल, हर एक हलके दे विचों जिहड़े रोड खत्म हो गए, क्योंकि प्रशासन है जिहड़ा सरकार है वो अपना काम कर रही है और सरकार वालों जिहड़ा हैगा कि असी पौध भी फ्री देवांगे, असी झोने की लवाई भी जिहड़ी वह देवांगे, जिहड़े मकान पानी दे विच आ के डिग पए ने उन्हां दा भी असी देवांगे, और 15 तरीक तो पहला सरकार है जिहड़ी खेतां दी गिरदावरी करके वो सरकार दे खाते चली जूगी और जिहड़ा नुकसान होया किसानां नूं उहदा पैसा मिले।